हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक अगेन दिस इज योर ग्रामर पार्ट ऑफ योर लिटरेचर बुक अभी हमने अपनी पुरानी वीडियो में फोर्टीन चैप्टर पोयम विंड ऑन द हिल कंप्लीट किया है और इसके क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट किए हैं तो उसी बुक में आपका ये ग्रामर पार्ट दिया हुआ जिस है जिसमें कि फ्रेजल वर्ब्स बताए गए हैं तो चलिए लेट स्टार्ट फ्रेजल वर्ब्स मीन बाई द फ्रेजल वर्ब्स फर्स्ट Phrasal verbs are combination of verbs with other words such as adverbs and prepositions or also we can say that a phrasal verb is a verb that is made up of a main verb together with an adverb or a preposition or both जैसे कि फ्रेज मैंने आपको बताया है, फ्रेज होते हैं लेकिन हम उनके साथ कर देते हैं तो it means group of words consisting of a verb. तो फ्रेजल वर्ब्स आपके क्या हुए कॉम्बिनेशन हुआ उस वर्ब का दूसरे वर्ड्स के साथ वह वर्ड जो आपका एडवर्ब से फॉलोड हो रहा है और प्रेपोजिशन से भी फॉलोड हो रहा है उसको हम फ्रेजल वर्ब्स कह सकते हैं फ्रेजल वर्ब्स कैन एम्प्लाई अ डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम द लिटरल मीनिंग एक्चुअल में जब हम फ्रेजल वर्ब्स यूज करते हैं तो वो एक डिफरेंट मीनिंग निकल के आता है जो उसका एक्चुअल मीनिंग होता है वो नहीं होता उसका डिफरेंट मीनिंग होता है लेट सी द एग्जाम्पल हर गिवन आई कोल्ड अप माई फ्रेंड्स कॉल मीन्स बुलाना लेकिन हमने यहाँ पे बोला है आई कोल्ड अप माई फ्रेंड्स यहाँ पे कोल्ड अप मिलकर क्या मीनिंग दे रहा है कि फोन करना मतलब कि हमने उसको फोन कॉल पर जो है फ्रेंड को बुलाया लेट सी इट विल मोल मोर क्लियर विदेंड एग्जाम्पल गिवेन हियर द थीफ गॉड अभी इजली विद हीज अकम्प्लाइज मीन्स

पार्टनर एंड देन यूज दैम इन सेंटें ऑन तो ये फ्रेजल वर्ड्स के वर्ड दिए हुए हैं आपको जो है इसका मीनिंग अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करना है और इनको आपने अपने सेंटेंस में यूज भी करना है तो आप क्या बना सकते हैं सेंटेंस चलिए आई विल शो यू और यू कैन मेक बाई यल्फ ये इज यसेज सो so, फर्स्ट आपका गिवन था ब्रेक डाउन सो वॉट विल बी देंटेंस मई कार ब्रॉकडाउन एट द रेड लाइट सेकेंड था आपका पुल डाउन तो पुल डाउन से क्या बन सकता है ये ही पुल्ड हर डाउन जिसका मीनिंग डिफरेंट है थर्ड था आपका पुट ऑफ

a look out for a new apartment. चलिए भी एक्सरसाइज देखते हैं अंडरलाइन द फ्रेजल वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड आल्सो राइट डाउन मीनिंग तो आपको अंडरलाइन करने हैं फ्रेजल वर्ब्स को इस सेंटेंसेस में और और उसका मीनिंग भी लिखना है चलिए देखते हैं लेट्स सी द आंसर सी हियर दिस इज योर आंसर फ्रॉम फर्स्ट कॉल वन जिसका मीनिंग है टू स्पीक और सेकेंड गिव बैक आपके सेंटेंस में गिवन है जिसका मीनिंग है रिटर्न और थर्ड है आपका ब्रॉक डाउन जिसका मीनिंग है नॉट इन अ वर्किंग कंडीशन फोर्थ है विन ओवर जिसका मीनिंग है टू बी क्लोजर एंड इन फिफ्थ सेंटेंस चेकड इन टू आपका फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग है कीम एंड रिपोर्टेड अबाउट अराइवल

जिसको आप फ्रेजल वर्ब्स के रूप में यूज करते हैं और दिए हुए हैं उनके डिफरेंट मीनिंग्स जैसे फर्स्ट हमारा पुट अप जिसका मीनिंग था टॉलरेट तो आई हैव बीन पुटिंग अप विद हिम फॉर सो मेनी डेज पुटिंग अप का मीनिंग यहाँ पे हमने जो है पुट अप में एक्चुअल में इसका यही मीनिंग नहीं यहाँ पे हमने टॉलरेट सहन करना जो है मीनिंग यूज किया है सेकेंड था आपका पुट पुटअसाइड जिसका मीनिंग था सेव तो मैंने सेंटेंस बनाया थर्ड आपका गिवन है लुक अप जिसका मीनिंग था फाइंड सो शी हैज बीन लुकिंग अप फॉर द वर्ड ऑफ होस्ट इन द डिक्शनरी फोर्थ आप था फोर्थ था रन ओवर मींस ड्राइव ओवर सो द कार ड्राइवर रन रन ओवर द बाइक एंड फिफ्थ था आपका रन अवे जिसका मीनिंग था फ्ली एफ एल डबल ई फ्ली The thief ran away with the jewellery. Just coming in. Flee had run away. Ka means six. Is the car broken down near her house? Breakdown means collapse here. So in this video, we have done the grammar part, which is given on your book. In your book, page number one hundred three. We have done the grammar part. ऑफ योर चैप्टर विंड ऑन द हिल थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक ऑल्सो शेयर ऑल्सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस बाय बाय